नमस्कार, मैं रोहिता, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। भारतीय रिजर्व बैंक देगी सरकार को 50,000 करोड़ रुपए, जालन समिति कर सकती है सिफारिश। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालन की अध्यक्षता वाली समिति केंद्रीय बैंक के आकस्मिक निधि से 50 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने की सिफारिश कर सकती है। यह समिति आरबीआई के आरक्षित पूंजी निधि के आकार की जांच पड़ताल कर रही है। समिति अपनी रिपोर्ट इस सप्ताह आरबीआई को सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ बदलाव करके किसानों को तोहफा देने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में मोदी सरकार किसानों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इस बदलाव का फायदा देश के लाखों किसानों को मिल सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जल्द ही किसानों के लिए फसल बीमा को स्वैच्छिक बनाने का फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए यह राहत की बात होगी। वर्तमान में इस बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। सोशल मीडिया पर चल रही आईटीआर फार्म में बदलाव की खबरें अफवाह है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का साफ कहना है कि आईटीआर 2 और आईटीआर 3 सहित आयकर रिटर्न भरने के लिए अधिक सूचित किसी भी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीबीडीटी ने इस संबंध में सोशल मीडिया में आ रही रिपोर्ट को गलत करार देते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2019 को आईटीआर फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि सोशल मीडिया में खबर आ रही है कि 11 जुलाई को इसमें भारी बदलाव किया गया है, जिससे लोगों को रिटर्न फाइल में दिक्कतें हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नया मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नया मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माना ज्यादा होने पर लोगों में एक डर पैदा होगा, जिससे वे सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाने की आदत डालेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए करने का प्रावधान है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। वही बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दरों में कमी कर दी है, इससे सरकारी कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष के दूसरी तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दरों में कमी कर दी गई है। 10 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद अब इस फंड में जमा राशि पर 8% की बजाय 7.9% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 1 जुलाई से प्रभावी हो चुकी है। बयान के मुताबिक यह ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे, रक्षा बलों की भविष्य निधि के कर्मचारियों के भविष्य निधि पर लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। देश की सुरक्षा में शहीद हुए राज्य के सैनिकों के परिवारों को 25 लाख से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार करेगी। देश की सुरक्षा में शहीद हुए राज्य के सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले शहीद हुए जवानों को महाराष्ट्र सरकार 25 लाख रुपए देती थी, जबकि घायल हुए सैनिकों को 60 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में सैनिकों को दी जाने वाली मदद की रकम को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।